बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हमारे साथ हैं बब्बन सर, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2017 में सेलेक्टेड कैंडिडेट रह चुके हैं और अभी जो है वो फाइनली जॉब कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यूअर्स हैं उनको आप अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मेरा नाम भवन कुमार है, मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2017 में हुआ था। मेरा ऑल इंडिया रैंक 994 था। मैं फिलहाल अभी सिवान डिवीजन में पोस्टल असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। अगर आप फ्री में ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट या फिर होम स्टेट ये सभी नहीं मिल सकती है, तो स्टूडेंट्स जो है वो ट्राई करते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, उनके होम एटलीस्ट होम स्टेट में उनका ट्रांसफ़र हो जाए। तो ट्रांसफ़र का क्या आखिर क्या खेल है, क्या ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो जाता है या फिर होता भी है या नहीं होता है, और अगर आप करवाना चाहते हैं ट्रांसफ़र तो इसका फुल प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, ट्रांसफ़र अगर आप अपने होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट आना चाहते हैं या होम स्टेट आना चाहते हैं बाहर से, तो आप अब पहले थोड़ा विलम्ब होता था, लेकिन अब 2 साल के बाद आप एक फॉर्म होता है पोस्टल असिस्टेंट में रूल 38, वो अप्लाई करने के बाद जनरली 3 से 4 साल के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, और एलडीसी में ये सुविधा नहीं है। तो सर, एलडीसी में मींस ट्रांसफ़र नहीं होती है या फिर उसमें होती है? उसके बारे में एग्जैक्ट हमको पता नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आएँ, और जो है वो हज़ारों और लाखों स्टूडेंट्स को ये मोटिवेशन मिलती रहेगी इस वीडियोज़ से। तो और फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट आती है स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सर से जो है वो पर्सनली कॉन्टैक्ट करके मैं उनसे आपके कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगा।